आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बादल से मैं स्वागत अभिनंदन। देखो दोस्तों, अपने क्लास 9 का केमिस्ट्री से संबंधित अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु और अणु। सबसे पहले एक चीज कि अपने इस चैप्टर के बारे में अपने कितनी क्लास हो चुकी है, परमाणु और अणु चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर से संबंधित अपने 3 क्लास अपन ने कर ली। अब मैं ब्रीफ के अंदर आपको थोड़ा सा बता दूं कि 3 क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था परमाणु के बारे में, उसके बाद अपन ने परमाणु किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ एटम, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, परमाणु का आकार, और अपने सेकंड क्लास के अंदर अपन ने बात की थी थर्ड क्लास के अंदर अणु के बारे में, आयन के बारे में, और आज अपन बात कर रहे हैं, आज का अपना नया टॉपिक होगा रासायनिक सूत्र लिखना। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना। अब रासायनिक सूत्र लिखने के अपने को नियम याद रखने चाहिए। याद रखने हैं कि रासायनिक सूत्र लिखते समय अपने को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर उन बातों का अपन सही तरीके से उपयोग या प्रयोग करेंगे तो अपने को डेफिनेशन में अपन रासायनिक सूत्र के आराम से रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे। अब देखो अपन बात कर रहे हैं रासायनिक संयोजन सूत्र के अपने को नियम। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अपने को प्रति के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तत्व के प्रति के बारे में पता होना चाहिए। मेनली चीजें क्या क्या है? सबसे पहले अपने को याद रखनी चाहिए तत्व के प्रतीक। अब तत्व के प्रतीक के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अपन ने 3 वीडियो के अंदर अपन ने तत्व के प्रतीकों के बारे में भी एक ऐसा वीडियो है जहां पर अपन ने तत्व के प्रतीकों के बारे में सही तरीके से पढ़ा था। अब जैसे एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, तत्वों के प्रतीकों से क्या मतलब है। जैसे अपने तत्व ले लिया हाइड्रोजन। क्या ले लिया अपन ने? तत्व ले लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अगर अपन प्रतीक की बात करें तो हाइड्रोजन का अपन प्रतीक किसे दर्शा रहे हैं? H से दर्शा रहे हैं। अब अगर अपन बात कर लेते हैं मान लो ऑक्सीजन या हीलियम बात कर लेते हैं। जैसे अपन हीलियम की बात करें, हीलियम की, तो हीलियम का अपन प्रतीक क्या पढ़ रहे हैं? H की पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपने को तत्वों के प्रतीकों के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा। इसके बाद क्या है? संयोजकता। संयोजकता ये अपना फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है अपने? संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या है? किसी भी तत्व की क्या है? संयोजन क्षमता, या किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता का मतलब क्या है ये अपन थोड़ा सा समझते हैं। संयोजकता का मतलब ये है, जैसे अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर ऑक्सीजन, इसकी बात करें अपन, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? और होता है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? अपने को ये चीज तो पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो होती है अपने 2। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता। अब इससे थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार अपन निकालते हैं। तो इससे पहले अपने को क्या क्या याद रखना चाहिए संयोजकता के अंदर? पहली चीज तो अपने को परमाणु क्रमांक याद रखना चाहिए। पहली चीज को क्या है? परमाणु क्रमांक याद रखिए। उसके बाद में अपने को दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि जो पहले वाला कक्ष या वो कोष होता है उसके अंदर अपन 2 लिखते हैं, और जो दूसरे वाला कोष होता है उसके अंदर अपन अधिकतम 8 लिख सकते हैं, कि कोई भी तत्व होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन पाकर अपना क्या कर लेता है? अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं। परमाणु क्रमांक अपने को पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका ऑक्सीजन का 8। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। अब इसकी बात कर रहे हैं अपन संयोजक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर पहले वाले कक्ष के अपन क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और दूसरे वाले कक्ष में अपन 6 लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले कक्ष के अंदर अपन क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। जैसे
जिसकी संयोजकता अगर एक है तो सॉरी परमाणु क्रमांक एक है तो उसकी संयोजकता भी एक होगी, जिसके परमाणु क्रमांक दो है तो उसकी संयोजकता दो, तीन की तीन और चार की चार। जैसे पांच आएगा पांच की क्या हो जाएगी तीन, छह की दो और सात की एक और आठ की जीरो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे कि जैसे जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी दो। क्या हो जाएगी इसकी, इसकी जो संयोजकता हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी दो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी अपने दो। ये चीज अपने को क्या है याद रखनी चाहिए, मेनली चीजें यही है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसके तीन नियम, तीन नियम की बात करें कि तीन नियम इनमें कौन कौन से हैं, उन तीनों नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये तो होता है रासायनिक सूत्र क्या है, इसमें क्या क्या मेनली चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद अपने तीन नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि आयनों की संयोजकता एवं आवेश संतुलित होना चाहिए, आवेश संतुलित होना चाहिए, होना चाहिए। अब आयनों की संयोजकता से क्या मतलब है, संयोजकता किस प्रकार संतुलित होनी चाहिए, यानी कि आयनों की अगर संयोजकता की बात करें, जैसे अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, एग्जांपल देखो अपन ने बात की है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी, हाइड्रोजन की संयोजकता होगी एक। अब ये नहीं कि कभी अपन ने हाइड्रोजन की संयोजकता एक ले ली या कभी अपन ने दो ले ली, कभी आधी ले ली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। अपने को इतनी चीज याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी वो एक भी होगी। रासायनिक सूत्र कोई सा भी बनाए आप, इसमें संयोजकता की बात आती है, अगर हाइड्रोजन की बात आती है तो उसकी संयोजकता एक होती है, ये निश्चित होती है, फिक्स होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर अपन बात करें आवेश की, आवेश दो प्रकार, आवेश का मतलब होता है चार्ज, क्या बात होता है, चार्ज होता है। अब इसके अंदर अपन बात करें कि चार्ज में जैसे एक तो होता है अपने पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब चार्ज का मतलब जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, आवेश में बात करें अपन एग्जांपल ले लिया जैसे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का सूत्र क्या होता है, सोडियम का सूत्र होता है Na और क्लोराइड का Cl, सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl। सोडियम पर कैसे होगा, सोडियम पर जो आवेश होगा वो सदैव धनात्मक होगा, यानी कि सदैव पॉजिटिव होगा। अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड पर जो आवेश होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि जो सोडियम है ये क्या करता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान दाता है। और जो ये क्लोराइड है यानी कि जो Cl है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इस पर सदैव Na पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और जो Cl क्लोराइड है इस पर सदैव नेगेटिव चार्ज ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, ये चीजें क्या है, फिक्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये क्या है, फिक्स है, ये भी क्या है, फिक्स है, आएगा तो आएगा, यही आएगा। इसलिए ये नहीं कि कभी कभार अपन ने Na माइनस कर दिया और Cl प्लस कर दिया, ये चीज कभी भी नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी। तो अपने को पहला पॉइंट यही है कि आयनों की संयोजकता एवं आवेश क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अब दूसरे वाले पॉइंट की बात करें, दूसरे वाले पॉइंट क्या है, दूसरे वाले की पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि जब एक यौगिक धातु एवं अधातु के संयोग से बनता है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, जब एक यौगिक
धातु एवं ए धातु के संयोग से बनता है तो धातु का प्रतीक अथवा नाम रासायनिक सूत्र से पहले लिखना चाहिए। रासायनिक सूत्र से पहले लिखना चाहिए। जैसे इसका क्या है कि जब एक यौगिक धातु एवं अधातु के संयोग से बनता है तो धातु का प्रतीक अथवा उसका रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र से पहले लिखना चाहिए। जैसे अपन बात कर रहे थे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, या लिया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है, इसका जो रासायनिक सूत्र है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र से पहले इसका क्या है, अपने को नाम या उसका प्रतीक पहले लिखना है। ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र होगा। क्या होगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तीसरा क्या है कि बहु परमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक के अंदर वे आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तीसरा नियम क्या है कि बहु परमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों को दर्शाने के लिए कोष्टक में एवं आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। यानी कि बहु परमाणु आयनिक अपना एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इसका एग्जाम्पल ले लिया अपन ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आयनों को कोष्ठक के अंदर वे जो आयनों की संख्या है वो अपन कोष्ठक के क्या लिख रहे हैं, बाहर लिख रहे हैं। जैसे दूसरे वाले सूत्र एग्जाम्पल की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें क्या है आयनों की संख्या अगर एक है तो इसको अपने को कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये यहां तक बात कर ली अपन ने रासायनिक सूत्र के लिखने के नियम। यहां तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में एक टेबल है, उस टेबल की अपन बात करते हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं टेबल की। टेबल के अंदर आयन और तत्व और बहु परमाणु आयन है। जैसे अपन आयन की बात कर रहे हैं सोडियम के आयन की अगर बात करें तो सोडियम पर क्या है, सोडियम के अंदर अपने Na+ है, यानी कि इसके अंदर प्लस का मैंने पहले ही रोल बता दिया था कि जहां पर प्लस आएगा वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। और अगर अपन माइनस की बात कर लेते हैं, जैसे क्लोराइड की अगर बात करें तो इस पर Cl- है, यानी कि इसकी संयोजकता Cl- है। Cl- का मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण करना। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम सिल्वर और कॉपर। ये क्या है, पर एक आयन वाले हैं, यानी कि इस पर आयन एक है। कॉपर फर्स्ट का मतलब है इसके अंदर क्या है, एक आयन है। अगर इसमें क्या है,
अपन कॉपर सेकंड की बात कर रहे हैं तो कॉपर सेकंड में क्या है, आयनों की संख्या 2 प्लस है, ठीक है। अगर एक चीज इसमें याद रखना कि जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम है, इसको अपन Mg प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इससे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, तो इस पर आयनों की संख्या क्या है, 3 प्लस है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है, यानी कि ये भी दान दाता है, लेकिन इसमें आयन संख्या क्या है, 3 प्लस, यानी 3। अगर जैसे अपन तत्व की बात करें तो तत्व में भी जैसे सल्फाइड है, इसमें भी आयनों की संख्या 2 माइनस है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अगर अपन बहुपरमाणु आयन का क्या मतलब होता है, बहुपरमाणु आयनों का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने आयनों को क्या कहेंगे, बहुपरमाणु। मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा आयनों की संख्या होगी, जैसे हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, इसमें 4 प्लस है, ठीक है। अगर जैसे सल्फेट है, इसमें भी SO4 2 माइनस है, ठीक है। यहां तक अपन ने बात कर ली। यह टेबल रासायनिक सूत्र लिखने में अपने आवेश पर, जहां पर अपन चार्ज की बात करें वहां पर ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अपन रासायनिक सूत्र मान लो रासायनिक सूत्र सरल यौगिक के सूत्र किस प्रकार बनाएंगे, अपन बात कर रहे हैं सरल यौगिक के सूत्र की, सरल यौगिक के सूत्र किस प्रकार बनाएंगे। सरल यौगिक के सूत्र बनाएंगे तो उसमें अपने को याद रखना है सबसे पहले तत्व और उसकी संयोजकता, और उसके बाद में क्या है जो संयोजित परमाणु है, उन संयोजित परमाणु को क्या करना है, तो पश्चात संयोजकता को उसको क्रॉस ओवर करना है। जैसे अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, एग्जांपल बात कर लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, जैसे अपन ने हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर ली, हाइड्रोजन क्लोराइड की अपन ने बात की, तो सबसे पहले इनकी क्या बात करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर अपन तत्व हैं ये, और इनके प्रतीक के बारे में बात करेंगे। तो तत्व इनके प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का H होता है और क्लोराइड का Cl होता है। इसके बाद अपने को क्या करना है, इनकी संयोजकता के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अपने को पता है जो हाइड्रोजन है इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, इसकी संयोजकता एक होती है, और जो इसकी सल्फ क्लोराइड है इसकी भी क्या है, संयोजकता एक होगी। उनके तत्पश्चात इनके बाद में क्या करेंगे, इनको क्रॉस ओवर करेंगे तो अपना इनका सूत्र बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl बन जाएगा, और इसको अपन रासायनिक सूत्र के नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये क्या अपना रासायनिक सूत्र। अगर अपने वो सीधा सीधा अगर आप एग्जाम में पूछते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो अपन बताएंगे HCl हो जाएगा, और ये इनका क्या है, निकालना है तरीका है। अपन बात कर लेते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इसकी बात कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल ये अपने फर्स्ट है, अपन एग्जांपल दूसरे की बात कर ले, दूसरा एग्जांपल कौन सा है, अपने दूसरा एग्जांपल है मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वही बात पुरानी बात पे आते हैं अपन वापस, पुरानी बात पर आने से क्या है, यानी कि सबसे पहले अपने को तत्व का प्रतीक पता होना चाहिए। अब प्रतीक की बात करें तो अपने ने बार बार पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन है इसका प्रतीक H होता है, और सल्फाइड का प्रतीक क्या होता है, S होता है। इसके बाद अपन क्या बात करें, इसके बाद अपन संयोजकता की बात करें, तो संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता में देखो जो हाइड्रोजन है इसकी अपने को पता है जो संयोजकता होती है वो एक होगी, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और जो सल्फाइड है इसकी संयोजकता क्या होती है, दो होती है। तो ये अपन ने दो लिख दिया। जैसे अपन क्या करेंगे, इसको क्या क्रॉस ओवर करेंगे, क्रॉस ओवर लिखते अपन क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा, H2S हो जाएगा, और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या है, रासायनिक सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, कि भाई ये अपने ये सारणी पढ़ी है ये अपने कहाँ कहाँ काम में आएगी। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, इसकी बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड,
क्या है, जैसे अपन थर्ड एग्जांपल की बात कर ली, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो वही कहानी, वही पुरानी बात पर आते हैं। सबसे पहले अपन तत्व के प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तत्व का प्रतीक अपने को पता है, तो तत्व का प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, और जो क्लोराइड है इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या है, मैग्नीशियम पर अभी अपने टेबल में पढ़ा है कि जो इस पर आवेश है, यानी कि इस पर जो चार्ज है, इस पर 2+ है और Cl पर 1- है, ठीक है। वही अणु क्रॉस ओवर करेंगे इनको, तो जो सूत्र हो जाएगा वो जाएगा MgCl2, MgCl2, ये क्या है, इस मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र हो गया। अगर अपन बात कर लेते हैं बहु परमाणु आयनों के वाले यौगिक, अपनी हेडिंग क्या है, बहु परमाणु आयनों वाले यौगिक, बहु परमाणु आयन वाले यौगिक, इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। इसमें एग्जाम्पल ले लिया सोडियम नाइट्रेट, क्या एग्जाम्पल अपन ने, इसका एग्जाम्पल ले लिया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं, अपन ने क्या किया, जो इस पर जो इसका प्रतीक के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में, इसके आवेश के बारे में बात करेंगे। प्रतीक क्या है, सोडियम का Na होता है और जो नाइट्रेट है इसका NO3 हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। इस पर क्या है, सोडियम पर जो आवेश है वो कैसा है, 1+ हो जाएगा और जो NO3 नाइट्रेट है इस पर आयन की संख्या 1- हो जाएगी, और जैसे अपने को क्रॉस ओवर करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा NaNO3। ये इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये अपने किसी भी सरल यौगिक अपन ले लेते हैं और उसका अपन उस टेबल के हिसाब से, अगर अपने वो टेबल पूर्णतः याद है तो अपन कोई सा भी सूत्र किसी कंडीशन में अपन बना लेते हैं। इनको रटने से अच्छा है समझना, तो इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। दोस्तों आज अपने जो चार भाग कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के, इस भाग के अंदर अपने रासायनिक सूत्र के बारे में पूर्णतः पढ़ा है कि रासायनिक सूत्र में अपने को किस प्रकार किया है टेबल के बारे में। तो आप यहाँ तक देखना, आगे जो इसकी एक क्लास बाकी बची है वो अपन नेक्स्ट कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।